मैं हूं अवनी चौधरी अर्थप्रकाश टीवी से। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बाहर, जहां पर नेक चंदी के 96वीं जयंती पर हम यहां पर आए हैं। आपको बता दें कि रॉक गार्डन के प्रशासन ने यहां पर टिकट की सेवा फ्री रखी हुई है। नेक चंदी का जन्म पाकिस्तान के बेरिया गाँव में 1924 में हुआ था, जिसके बाद नेक चंदी 1950 में भारत में आकर चंडीगढ़ शहर में बस गए। आपको बता दें कि नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में आकर यहाँ पर PWD के कार्यालयों में काम किया। इसी के साथ साथ रॉक गार्डन का निर्माण किया। बताया जाता है कि नेकचंद जी साइकिल पर पत्थरों को ढोकर रॉक गार्डन का निर्माण किया था। वेस्ट मटेरियल को किस तरह से यूटिलाइज करके रॉक गार्डन में लगाया है, आप अंदर जाकर खुद ही देख सकते हैं। कहा जाता है भारत के अजूबों में एक अजूबा रॉक गार्डन को भी माना जाता है। वाकई में इसकी खूबसूरती को देखकर आपकी नजरें वहां पर ठहर जाएंगी। चलिए दिखाते हैं कोरोना काल के चलते नेकचंद जी की जयंती पर किस तरह की तैयारियां की गई है। अब हम आपको दिखाते हैं रॉक गार्डन में नेकचंद जी की जयंती पर सामने लगे ओपन थिएटर पर रॉक गार्डन के इतिहास पर प्रकाश डाला जा रहा है। देखो कितनी खूबसूरत से ये नज़ारा दिख रहा है, किस तरह से ये लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठकर रॉक गार्डन के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं रॉक गार्डन के फेज 3 में, जहाँ पर डोल म्यूजियम साल 2017 में शुरू किया गया था। यहाँ पर भारत की ग्रामीण संस्कृति को दर्शाया गया है और हम चाहते हैं कि आप भी इस डोल म्यूजियम में अपने बच्चों के साथ आएं और ग्रामीण संस्कृति को दिखाएं। चलिए अब दिखाते हैं आपको पंजाबी संस्कृति, जहाँ पर महिलाओं की खूबसूरत आकृतियों को दिखाया गया है। कार्यालय में यहाँ पर देखे कितनी खूबसूरती से उनकी एक एक चीजों को संजोया गया है, उनकी यादों को संजोया गया है। यहाँ पर नेकचंद जी कुर्सी पर विराजमान है। देखिए वैसे तो ये एक मूर्ति है, लेकिन हकीकत में देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे नेकचंद जी यहाँ पर असलियत में विराजमान हो। देखिए यहाँ पे गौर से किस तरह से यहाँ पे इनकी अंतिम समय के दृश्य को दर्शाया गया है इस फोटो में। देखिए ज्यादा भीड़ को यहाँ पर नहीं रख सकते हम। नेकचंद जी की जयंती पर फूलों के साथ साथ और भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स रखे गए हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए करते हैं मैम से बात। ये जानते हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे गए। नेकचंद डे के लिए सेलिब्रेशन के लिए CL अग्रवाल DAV मॉडल स्कूल सेक्टर 7 ने ऑर्गेनाइज किया है। ये मौका इस बार हमें मिला है, तो हमारे प्रिंसिपल स्पीकर न्याल ने ये एक्टिविटीज़ जो है ऑनलाइन करवाई है, जिसमें बच्चों के लिए बच्चों ने नेकचंद के क्रिएशन से अपने अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर किए। आप सभी ने ये तो देख ही लिया होगा कि नेकचंद जी की जयंती उनके जीवन की तरह सादगी भरे तरीके से मनाई गई है, जिसमें उनकी पोते और बहू ने नेकचंद जी की 96वीं जयंती पर फूल अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। कुछ ऐसी ही रोमांचक खबर जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।